विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतु भी हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आए थे, कल के हम बात करें उनका जो दौरा रहा था, उस दिन उन्होंने कई खास बातें कही हैं। ऋण चुकाने की बात कही है विकास के जरिए, और साथ ही साथ अयोध्या की तरह मथुरा को विकसित करने की भी बात कही है। और आज जन्माष्टमी, पिछले साल भी आपने यहां की जन्माष्टमी देखी है, तो क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है ऋतु? बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि दो दिवसीय दौरे पर थे मथुरा के, और वो कल वृंदावन में थे, आज वो मथुरा में थे। उन्होंने हेमा मालिनी जो कि सांसद हैं मथुरा से, उन्होंने कहा कि उनका ऋण चुकाने वो आए हैं, और इसीलिए यहाँ पर क्रूज की, यमुना क्रूज की शुरुआत होने वाली है, और इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर उन्होंने सौगातें दी हैं। इसके साथ ही, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं जाहिर तौर पर विकास को लेकर बात करते हैं, और जो विकास अब तक हुआ है और जो आगे होने वाला है यानी कि भविष्य की जो परिपाटी है उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल था वो ये कि पिछले बार की अगर मैं जन्माष्टमी की बात करूँ और इस बार की जन्माष्टमी की मैं बात करूं तो क्या उसमें कोई फर्क नजर आ रहा है या फिर नहीं? देखिए तस्वीरें गवाह हैं। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि ये जन्माष्टमी हालांकि हर साल वही होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस ये है, जन्मोत्सव ये है, लेकिन भव्यता और दिव्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पिछली बार जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे वो 20 से 25 लाख की संख्या में पहुंचे, इस बार श्रद्धालु लगभग 50 लाख की संख्या में पहुंचने वाले हैं। देखिए डबल यह आंकड़ा होने वाला है, तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ आ रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर भवन को देखेंगे गर्भगृह में, तो आपको उस भीड़ का अंदाजा नहीं लगेगा क्योंकि भीड़ आ रही है और जा रही, और सभी के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छे से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं यहाँ पर। सुबह से अब रात का वक्त हो गया है, लगभग 1:30 बजे तक तमाम जो श्रद्धालु जन है यहाँ पर दर्शन करेंगे, लेकिन इसी तरह का माहौल है, लोग पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं। हर कोई आज के दिन जन्माष्टमी मनाता है, अपने अपने घरों पर मनाते हैं लोग, लेकिन जो लोग अपने मन में ये भाव रखते हैं कि वो मथुरा में आकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जाते हैं। ये हर तरफ आज जो आप भवन देख रही हैं, परिसर देख रही हैं, गर्भगृह का ही ये एरिया है जो कि फूलों से सजा हुआ है, तरह तरह के फूलों से ये सजा हुआ है। मैं मंदिर के बाहर की बात करूं तो लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें और जो रोशनी का यहाँ पर छाई हुई है, अगर मंदिर के मीनार की बात करूं तो दूधिया रंग में पूरी तरह से नहाया हुआ है मंदिर। यहाँ तक कि यहाँ पर जो ढोल नगाड़े, जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रही थी, ना सिर्फ मंदिर में बल्कि आज आप मथुरा की किसी भी गली में जाएंगी तो आपको इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि कितनी खूबसूरती से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, और यही हर वर्ष देखने को मिलता है। लेकिन जो बदलता है वो सिर्फ ये कि भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, उनकी पोशाक, उनका बंगला, हर बार उसकी थीम अलग होती है, उसकी भव्यता अलग होती है, उसकी सजावट अलग होती है। बाकी भगवान तो जहां भी हो भक्त वहां पहुंच ही जाते हैं, जहां पत्थर को भी लोग अगर आस्था से पूज ले तो उनमें भी भगवान ढूंढ लेते हैं, फिर ये जगह तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर जब भक्त पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए तो किस भाव के साथ आते होंगे और कितने भाव विभोर हो ओढ़ते होंगे। बिल्कुल दीपशिखा, बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं विनीत का, जो कि वृंदावन से जुड़े हुए हैं। विनीत, वृंदावन में किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? जी, और आपने सभी जानकारों के साथ भी इसे साझा करें। देखिए बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं कि ब्रज के, चाहे वृंदावन की बात की जाए या मथुरा की बात की जाए, हर जगह धूम मची हुई है कान्हा की। और लगातार मैं समय चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं, लगातार हरे रामा हरे कृष्णा के भजन यहाँ गाए जा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो देश दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस जलाभिषेक, इस कान्हा जी के आगमन का फायदा। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज चल यहाँ पे हो रहा है, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है और जन्माष्टमी का उत्सव है आज, और आप देख सकते हैं पूरे हॉल में भक्तों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी पड़ी है, पूरे भारत से यहाँ पे भक्त आए हुए हैं। बहुत शानदार यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, और अभी भजन संध्या हो चुकी है, भगवान जी का अभिषेक हुआ है और प्रवचन स्टार्ट होने वाला है। 12 बजे भगवान जी का जब जन्म हुआ था वहां आरती होगी, भगवान की पालकी होगी,
आप सब भी इसको उसमें लाइव देख रहा था कि जो अभिषेक हुआ था उसमें तमाम तरीके से अभिषेक किया गया, तमाम बार श्रृंगार किया गया, क्या कुछ रहती है परंपरा जो परंपरा है कि भगवान का पहले पंचामृत से अभिषेक होता है, फलों के दसों से अभिषेक होता है, उनका उनके ऊपर फूलों की माला और पुष्प वृष्टि होती है और बहुत सुंदर 108 कलश से भी अभिषेक किया जाता है। तो सभी को अभी प्रतीक्षा है 12 बजे जब भगवान जी का अवतार हुआ था उसकी प्रतीक्षा में सब लोग बैठे हुए हैं। आप लोग भी इस लाइव प्रोग्राम से बने रहिए, भगवान कृष्ण को याद करिए और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। देखिए प्रभु अर्जुन हमको बता रहे थे यहाँ पर जो चंद्रदा मंदिर है सब विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर है और यहाँ पर तमाम भक्तों की भीड़ जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं तो मथुरा से ही हूँ और बड़ा बिल्कुल विनीत, देखिए आप बातचीत करते रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। इस समय विनय भी हमारे साथ बने हुए, विनय के पास चलते। विनय, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और वो जो मिजाज उनका उनकी पहचान बनता है वो जरूर दिखाई देता है, इस समय क्या खास? देखिए गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में है और ये देखिए बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो है अपनी प्रस्तुति किए थे और उनको जो है अभी प्रशस्ति पत्र भी मिला है। बच्ची है, कुछ सुनाना भी चाहती है, राधा रानी के रूप में आई है, क्या सुनाएंगे? अपना नाम बता दो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्रेया पांडे। किस क्लास में पढ़ती हो? आई रीडिंग क्लास थर्ड ए। अच्छा, क्या सुनाना चाह रही है? मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतार। बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, ये भी सुनाएंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरा नाम आराध्या पांडे है, फिफ्थ में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद। क्या और भी बच्चे हैं वो भी सुनाना चाहते हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या नाम है बेटा? महक। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? सेकंड। क्या सुनाना चाहते हैं? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो नहीं जानी, आधा ही आता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे जो है आज जो है नए नए स्वरूप में आए, कुछ और सुनाना चाहती हो बेटा? अच्युतम कृष्णवम कृष्ण दामोदर राम नारायण।
हनुमान जी से कहा जा रहा है कि मेरा एक छोटा सा काम कर देना, राम जी से राम राम कह देना, और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है। और अब हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए स्क्रीन पर चार तस्वीरें अलग अलग जगह की, जहाँ रात्रि जागरण हो रहा है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है मंदिरों में, भजनों का सिलसिला जारी है जो लोगों का मन मोह रहा है, पारंपरिक नृत्य भी किया जा रहा है। गंगोत्री धाम की ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जन्माष्टमी पर महोत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें, चार अलग अलग रंगों की जन्माष्टमी महोत्सव की, रात्रि जागरण हो रहा है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, भजनों से मन मोह रहा है, पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है, ये कुछ तस्वीरें। तो ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। देवभूमि की तस्वीर है, गंगोत्री धाम की तस्वीर है। जैसा कि आपको कहा था कि पहाड़ों की जो संस्कृति है, पहाड़ों की जो परंपराएं हैं, वो सादेपन से झलकती है, और उतना ही सादा यहां पर भगवान को पाने का, इस भक्ति में डुबकी लगाने का जरिया भी रहता है। पहली तस्वीर है रात्रि जागरण की, क्योंकि 12 बजे का समय है जब कन्हैया का, श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। और उसके साथ दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों में शाम होती है तापमान भी लुढ़कता है और इसी के साथ ठंड भी होती है। तो तस्वीर आपके साथ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कैसे मंदिरों में धूम मची हुई है, लाइट से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, जन सैलाब उमड़ रहा है, भक्तों की भीड़ यहां पहुंच रही है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें जहां राधा कृष्ण को पूजा जा रहा है। और इसी बीच अब मथुरा का रुख कर लेते हैं। रितु तोमर हमारे साथ बनी हुई है। रितु, अब कुछ ही मिनट बच रहे हैं, लगभग 29 मिनट बचे हैं अभी, क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है, प्लीज आप हमें बताइए। अर्चन किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है। वो तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जरूर दिखाएं कि किस तरीके से 1008 कमल पुष्पों के द्वारा सहस्त्रार्चन किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जा रहा है। आवाहन यानी कि जब भी पूजा पाठ किया जाता है तो किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ से पहले तमाम देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जा रहा है। इसके बाद 12 बजे तक, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने से पहले 12 बजे तक लगातार भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल क्योंकि पूजा पाठ जो है, जो प्रक्रिया है जन्म होने से पहले, वो शुरू हो चुकी है। और यही, हालांकि 6 बजे से हम कहें तो क्योंकि उनके पोशाक वो धारण कर चुके हैं तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन 11 बजे से प्रॉपर जो विधि विधान से पूजा होती है वो अभी शुरू हो चुकी है। और अब भजन कीर्तन का आयोजन होगा, जैसे ही आवाहन पूरा हो जाएगा
ना सिर्फ इस परिसर में आप देखेंगे बल्कि हर जगह पूरे मथुरा में पूरे मंदिर में इसी तरह से भजन कीर्तन का गुंजायमान सुनाई देगा। जी ऋतु, जैसे कि आपने ड्रेस के बारे में, भगवान जी की पोशाक के बारे में भी कुछ बताया, तो थोड़ा और वर्णन कीजिए कि किस रंग की पोशाक है, किस तरीके की बनी है, क्योंकि पोशाक बहुत ज्यादा महत्व रखती है, हर बार चेंज होते हैं, बहुत महंगी से महंगी, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर पोशाक कलरफुल बनाई जाती है। इस बार उनकी पोशाक का वर्णन थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपशिखा, देखिए क्योंकि विशिष्ट जन्म महोत्सव है, ऐसे में ठाकुर जी के श्रृंगार और पोशाक और मंदिर की सजावट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसे में साज सज्जा और व्यवस्थाएं ननभिराम अभूतपूर्व एकदम आंखों को शांति देने वाली होंगी, क्योंकि जन जन की आस्था के केंद्र कंस के कारागार के रूप में प्रसिद्ध श्री गर्भगृह और श्री कृष्ण चबूतरा की जो साज सज्जा है वो भक्तों को द्वापरकालीन कंस के कारागार की अनुभूति कराएगी। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि जो उनकी पोशाक है वो विशिष्ट होगी, जिससे भक्त भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन कर पाएंगे, शंख चक्र गदा पदम धारण किए हुए भगवान के ऐसे दर्शन निश्चित ही परम मंगलकारी होंगे। भगवान श्री केशव देव जी, श्री गर्भगृह, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार और भगवती योग माया के श्री विग्रह के लिए जरदोजी का कार्य, रेशम जरी रत्न प्रतिकृति के साथ में सिल्क के वस्त्र पर उनको धारण किया गया है, और इसके साथ ही ठाकुर जी के जो दिव्य मुकुट है जो उन्होंने धारण किया हुआ है वो भी रत्न जड़ित है। भगवती योग माया स्वर्ण मुकुट धारण कर भक्तों को दर्शन दे रही है। कुछ इस से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह ने पोशाक धारण की हुई है। इस पोशाक को नाम दिया गया है सोम चंद्रिका, और साथ ही इस अवसर पर नवरत्न जड़ित स्वर्ण कंठा श्री ठाकुर जी को धारण कराई गई है। दीपशिखा, बिल्कुल बेहद खास तस्वीरें ऋतु इस समय आप हमें दिखा रही हैं, और ये जो जानकारी आपकी ओर से दी गई है, रत्न जड़ित पोशाक जो यहाँ पर पहनी जा रही है, पहनाई गई है, और इसी के साथ एक भव्य नजारा जो निकलकर सामने आया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सांवरे के जन्म पर उजियारा जो बिखरा है चारों ओर, वाकई मनमोहक दृश्य है। बिल्कुल सही कहा दीपशिखा आपने, और ये चार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं, वृंदावन मथुरा की कैसी तस्वीरें आ रही हैं, और यहाँ भोग लगाया जा रहा है कई तरह के पकवानों का। ऋतु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोजन को लेकर, भोग को लेकर, भगवान के प्रसाद को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कहते हैं कि 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, अभी क्या कुछ व्यवस्था की गई है भोग को लेकर? बिल्कुल आदिपशिखा, देखिए क्योंकि भगवान को जो आज भोग लगता है वो 56 भोग लगता है। भगवान को इस पवित्र दिन के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में लड्डू और मेवा पाक का भोग लगाया जाएगा, और भगवान के भोग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट लड्डुओं को कुशल कारीगर और भक्तगण रात दिन भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने बनाया है। भगवान को मुख्यतः मेवे, कुट्टू, गोंद और मिंगी के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगेगा उसके बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित भी होगा, क्योंकि जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो भी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जब दर्शन हो जाएं तो उन्हें वही भोग प्रसाद के रूप में भी मिले। तो कुछ इस तरह का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाएगा। दीपशिखा ऋतु, देखिए सुबह 5:30 से ही तो वैसे जो तमाम कार्यक्रम है जन्मोत्सव के वो तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो पल है जब जो सबसे ज्यादा खास कार्यक्रम रहने वाले हैं वो शुरू होंगे। फिर चाहे कामधेनु गाय को लेकर यहाँ पर जिक्र किया जाए, नवग्रह की पूजा को लेकर जिक्र किया जाए, या फिर जैसा कि आपने बताया 56 भोग को लेकर जिक्र किया जाए। ऋतु, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए अभी क्योंकि पूजा पाठ प्रॉपर शुरू हो गया है जो बिल्कुल वैदिक तौर पर किया जाता है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बिल्कुल तो आपके पास मैं लौटूंगी, इस समय विनय भी हमारे साथ बने हुए हैं और विनय के पास हम चलते हैं। विनय, वहां से कुछ खास तस्वीरें और खास बातचीत भी हमें बताएंगे। विनय, आपको आवाज मिल पा रही है? तो कैसा कुछ वहां पर रंगारंग कार्यक्रम और उसी के साथ और भव्यता देखी जा रही है? देखिए महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में है, और यहाँ अयोध्या से चलकर जो है राजूदास महाराज जी यहाँ पहुँचे हैं कृष्ण जन्मोत्सव में, और आज आप यहाँ पहुँचे हैं जन्मोत्सव। पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव का पावन पर्व पर
धर्म नगरी अयोध्या से अदास राजूदास आज गोरखधाम में आया है। इसलिए आया है, सनातन सनातन संस्कृति और हिंदू हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक चिंता करना, चिंतन करना, किस प्रकार से हमारे सर्व समाज सनातनी हिंदू जनमानस एक होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, और जब एक रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। आज महाराज जी का बयान था जिसको लेकर तमाम मीडिया चैनल ने भी चलाया था, जिस प्रकार से सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। लेकिन अभी देखिए तत्काल की घटना, बांग्लादेश दुखद घटना, जिस प्रकार से विश्व बिरादर के लोग मौन हैं, चुप हैं, शांत हैं, जबकि जो लोग एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करने वाले लोग किसी अन्य की जयकारा नहीं लगा सकते, लेकिन जय फिलिस्तीन बोल सकते, भारत माता जय नहीं बोल सकते, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सनातनी जगने की जरूरत है, जग भी रहे हैं, लेकिन अगर आप जगेंगे नहीं तो आज अफगानिस्तान से भागकर यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान से भागकर यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेश से भागकर आप यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान से भागकर कहाँ जाओगे। इसके नाते जब हमारे ऋषि मुनि महात्मा अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है, जब हमारे देवी देवता सारे लोगों के पास अस्त्र और शस्त्र है, तब भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन का जब खून पानी हो गया तो जगाने में 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, तब पापियों को संहार करने के लिए अर्जुन आगे आए। तो आज उसी परमात्मा का जन्म उत्सव है, उस जन्म उत्सव में यहाँ शामिल होने का। आज जिस तरह से देखा जाए तो अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की लड़ाई थी, वहाँ से नाथ संप्रदाय का, गोरखनाथ का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के पहले वहाँ पहुँचे भी थे, वहाँ मथुरा वृंदावन दोनों जगह रहे, तो उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा एक वादा था जिसे पूरा करने आए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अभी जन्मभूमि की जो बात चल रही है उसको लेकर क्या प्रत्यक्ष किम परमानम, राम जन्मभूमि में 3 पीढ़ियों का यहाँ का योगदान रहा है, और आज देखिए वो फलीभूत भी हुआ। जिनके दादा गुरु ने लड़ाई शुरू किया, जिनके गुरुजी ने संघर्ष किया, आज उन्हीं के शिष्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण, अयोध्या के कायाकल्प, और अयोध्या विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, सनातन धर्म संस्कृति कैसे बचे, तो परमात्मा की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण, और महाराज जी लगातार सनातन के लिए चिंता और चिंतन करते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि भी गए, तो मुझको लगता है जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार से जैसे हम अयोध्या में नारा देते थे कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उसी प्रकार से एक धक्का और दो शाहिद गांव तोड़ कर और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भव्य मंदिर का निर्माण करो, यही आगाज हम लोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज जन्माष्टमी है और इस मौके पे आप गोरखनाथ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम लोग कार्य और काम करते हैं, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो जैसे सीरिया ईरान इराक लेबनान से खत्म हो गए, जैसे अमेरिका रूस जापान से आप खत्म हो गए, इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी 9 राज्य अल्पसंख्यक होने की ओर पे है। क्या स्थिति बांग्लादेश की है, क्या स्थिति हो गई अफगानिस्तान की, क्या स्थिति हो गई पाकिस्तान की, अगर आप धर्म के प्रति सजग सतर्क जागरूक नहीं होंगे तो एक दिन हिंदुस्तान में भी आप खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये
तो आपने सुना राजू दास की ओर से कई बातें इस दौरान कही गई, शाही ईदगाह का भी जिक्र किया गया। और चलिए लिए चलते हैं आपको मथुरा, हमारी सहयोगी रितु तोमर लगातार सुबह से यहां पर बनी हुई अलग अलग तस्वीरें दिखा रही। रितु, आप भी सुबह से मेहनत कर रही है और आपके चेहरे से वो दिखाई भी दे रहा है, और ऐसी मेहनत यहां पर जो भक्तगण पहुंचे वो भी करते दिखाई दे रहे हैं कि एक झलक उन्हें उनके इष्ट की मिल जाए, और इसका इंतजार इतनी बेसब्री से किया जा रहा है। साल में एक बार ये दिन आता है जो अपने आप में और खास बना रहा है इसे। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए मेहनत तो चल रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर दरबार में मैं खड़ी हूँ, इस जन्मभूमि में मैं हूँ आज यहाँ पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन सब चीज़ों के आगे जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो जाहिर तौर पर बहुत कम है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रही हूँ साक्षात, और शायद उस पल की साक्षी भी मैं हूँ जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्म के वक्त जो यहाँ का नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा, और उस नज़ारे को देखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, उसकी साक्षी मैं हूँ। तो उसके आगे ये मेहनत कुछ भी नहीं है दीपशिखा, जाहिर तौर पर कि ये जो यहाँ पर भक्त मौजूद है, श्रद्धालु जन मौजूद है, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में ये लग रहे हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वो कर पा रहे हैं। लाइन सिर्फ यही नहीं है बल्कि जब आप प्रवेश गेट यानी कि 3 नंबर का जो गेट है वो प्रवेश गेट है, और जो निकासी गेट है वो 1 नंबर का गेट है, वहीं से ही जब आप अंदर यहाँ मुख्य मंदिर तक आते हैं एक बहुत बड़ा रास्ता है जो कि आपको तय करना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता है, तो जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है, मोबाइल अंदर लाना अलाउ नहीं है। ऐसे में जो तमाम भक्त जन है वो भी बड़ी ही बेसब्री से भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का इंतजार करते हैं, और बहुत लंबे इंतजार के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो पाते हैं। हालांकि खुशी अलग होती है क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व होता है, आप बाकी किसी और दिन आइए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए, आपको खुशी होगी, पुण्य मिलेगा, लेकिन जन्माष्टमी के दिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसकी एक खुशी, उसका जो पुण्य आपको मिलेगा आप पूरी तरह से अभिभूत हो जाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन ही ऐसा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ ही लेकिन इसके साथ ही हम उस खुशी को मनाते हैं। वो कोई आम बालक नहीं बल्कि हमारे ईष्ट देव हैं, उनके जन्म को हम बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही उत्सव के साथ मनाते हैं, तो उसकी खुशी वाकई में बहुत अलग होती है, और हर भक्त ये बात जानता है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के दरबार में मौजूद है तो उसके जीवन में शायद वो पल उसको दोबारा मिले या ना मिले, या कई बार उसको मिल चुका हो, लेकिन इस वक्त जिस पल वो खड़ा है वो वक्त वो है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो सोचिए कि वो उस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, और उसके आगे वो जो मेहनत है जिसकी बात आप कर रही हैं वाकई में कुछ भी नहीं है दीपशिखा। बिल्कुल रितु, और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि गेटों का जिक्र किया, कतारों का जिक्र किया, सुरक्षा का जिक्र किया, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए हर बार की तरह से इस बार जो व्यवस्था है भक्तों के लिए, जो तैयारियां हैं वो किस तरह की गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए मैं सुरक्षा की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 5 PSC कंपनियां तैनात हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 गेट हैं जिनसे प्रवेश द्वार, मीडिया के लिए अलग गेट।